आज ये हमें मुबादरा को नील महल उज्जैन का पैलेस अपना घर का जगह का पट्टा का प्रमाण लेना पड़ता है, तब सरकार बोलता है आप ये हा का है। लेकिन बांग्लादेश से आएगा तो नो प्रूफ रिक्वायर्ड, कोई प्रमाण देने का दरकार नहीं। We too want a new India in which you are not lynched for what you eat, a new India where you are not assaulted for what you believe, shamed for what you wear, or criminalized for who you love. आपको जाकर अपने MLA अपने MP से पूछना है ये हाँ ये प्रशासन ने आपको बनाया है, आप अगरतला में चुप क्यों हैं? क्यों चुप है? लाल बत्ती रंग पावर मंत्री, अरे मुबादरा भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, लेकिन जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने बोला टिप्रासा के बारे में बात मत करो, दो मिनट में मुबादरा ने रिजिग्नेशन किया, रिजाइन किया और किस पार्टी को छोड़ दिया, क्योंकि क्योंकि अंगो पीला टिप्रासा उलो अंग मुबादरा, ये हमारा क्यों? इलेक्शन के टाइम सब लोग हीरो, सब लोग बोलेगा, शर्ट खो के बोलेगा, रोड ब्लॉकेट करेगा, इलेक्शन खत्म। टिप्रासा को आपका खुद का MLA ने बेच दिया, खुद का MLA ने बेचा। यहां में हम लोग के पास हम लोग MLA नहीं है, आज पतलकनिया मुबादरा यहां में आया है, वोट मांग रहा है, नहीं मांग रहा है वोट, वोट नहीं चाहिए लेकिन जस्टिस चाहिए। ये लोग जो राजनेता लोग अगरतला में बैठकर लंबा चौड़ा भाषण देता है, ए राज्य ते अमी काज करतो देवो ना आंदोलन करतो, आज CPM का रैली है अगरतला में, ओ CPM का रैली दिल्ली में, CPM का रैली में कार्य विरुद्ध अच्छे, यहां में मानिक सरकार एक शब्द नहीं बोला का के खिलाफ, क्यों नहीं बोला मानिक सरकार ने? सिर्फ जितेंद्र चौधरी बोलेगा, क्यों? वन सुखदी, सोचो समझो, टिप्रासा को भी समझना चाहिए, सोचना पड़ेगा। ये सब अगरतला में भाषण देता है, लेकिन NRC CAA सुप्रीम कोर्ट में कौन गया, इसका नाम पहचानता है? पताल कन्या जमतिया गया, हमको पहचानता है? बुबाकरा गया, हा क्यों? और वो सब क्या हुआ, वो पार्टी को चुप क्यों है? वो अगर तला में बैठकर आंदोलन करने से होगा कुछ? राम मंदिर किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से, हाँ तो हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। पतल कन्या बोला, सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला? अयोध्या में मंदिर क्यों बनेगा? क्योंकि राम वहां का राजा था। तो त्रिपुरा में मुबादरा का नाती बोल रहा है ये हमारा राज्य है, सुप्रीम कोर्ट में जाके। हम भी बंगाली के खिलाफ नहीं है, जब जब मैंने भाषण दिया बोलते मुबादरा कम्युनल है, अरे अपना टिप्रासा को भी समझना चाहिए। ये जो का पास हुआ है ये त्रिपुरा का बंगाली ने नहीं डिमांड किया है,
ये ममता बनर्जी को हराने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये बिल पास किया है पश्चिम बंगाल में जीतने के लिए। हमको तो नॉर्थ ईस्ट को बलि किया। यहां में इलेक्शन के टाइम कहा का कोई ने बात किया था, क्या बोला था? सेवन पे कमीशन रेगा 340 टका होवे, 3 हेक्टर स्मार्टफोन पावा जावे, बेकार पाटा होवे, अपना महिला एक मोटरसाइकिल होवे, साइकिल। सेवन पे कमीशन कुछ हुआ? टिपरा में हम लोग ने सब वोट किया क्योंकि हमको सीपीएम का शासन को हटाना था। किसी ने का डिमांड नहीं किया था, तो आपने हमको झूठ बोलकर आज यहां में चक्री करो, विधि करो, शिक्षा करो, आप हमको नौकरी क्यों नहीं देता है? आप स्कूल में हम लोग को शिक्षा क्यों नहीं देता है? अस्पताल में डॉक्टर ठीक से आता नहीं है, वो क्यों नहीं प्रोवाइड करता है? कहा पास किया आपने? क्यों कहा पास किया आपने? क्योंकि वोट बैंक का पॉलिटिक्स, वोट बैंक, ये सब वोट बैंक का पॉलिटिक्स। आज का पास करने से टिपरा में बंगाली के पास भी नौकरी नहीं है, मौक के पास भी नहीं है, चकमा के पास भी नहीं है, टिपरासा के पास भी नहीं है, लेकिन वो लोग नौकरी का बात नहीं करेगा, जाति धर्म का बारे बात करेगा। हमको गुमराह करना चाहता है, लेकिन यहां में जो भी टिपरासा है मैं आपको बोलना चाहता हूं, थनचाउंडी जब पंचनपुर में अपना ब्लू रियांग को 22 साल तक ना कांग्रेस ने कुछ किया ना सीपीएम ने कुछ किया और ये सरकार ने 1 किलो चावल नहीं दिया, जब थनचा हुआ 2 महीना में अपना ब्लू रियांग को 600 करोड़ रुपए का पैकेज मिला 2 महीने के अंदर। वही सरकार आपको 1 किलो माई नहीं दे रहा था, चीनी नहीं दे रहा था, आज 600 करोड़ दिया, क्यों? थंचा। जिस दिन रूपिणी ने, जिस दिन जमतिया ने, जिस दिन देव वर्मा ने, जिस दिन टिपरा ने, जिस दिन कोलोय ने, जिस दिन रंगोल ने, दारलोंग ने और कौन सा है, मोक, चकमा, काइपेंग, सब ने रियांग के लिए बात किया, रियांग का समस्या का हल हुआ, क्योंकि हम लोग के पास थंचा नहीं था, इसी के लिए आज ये हम लोग का परिस्थिति। आने वाले दिन में आपको हमको एक कमिटमेंट देना पड़ेगा, टिपरा सा को, टिपरा जग को, चला बुरुई सबको, ओकरा सबको एक कमिटमेंट वादा करना पड़ेगा। बुबाग्रा आपके लिए लड़ रहा है, पताल कन्या आपके लिए लड़ रहा है, श्रीधाम आपके लिए लड़ रहा है, पताल कन्या टीपीएफ से है, हम टिपरा से है, कोई एनसीटी से हो सकता है, कोई भी बदल से हो सकता है, आईपीएफटी आईएमपीटी, लेकिन हम लोग का स्लोगन क्या था, पुइला जाति उलो अब नहीं, पुइला जाति उलो वो जाति। आप जाके जो लोग बोल रहा है बुबाग्रा का प्रोग्राम में मत आओ, जो बोलता है पाताल कन्या का प्रोग्राम में मत आओ, वो सस्ता राजनीति है, सस्ता राजनीति। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता, ना कि एनसी देव वर्मा हो, विजय बाबू हो, जगदीश हो, चित्तरंजन देव वर्मा हो, अनिमेश हो, पताल कन्या हो, श्रीराम हो, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन आपको पहले अपने दोफा, अपना टिपरासा के बारे बात करना पड़ेगा, वो कमिटमेंट मैं चाहता हूं। और अगर सीनियर लीडर लोग ने बात नहीं माना, क्योंकि बुबाग्रा चाहता है थंचा हो, बुबाग्रा चाहता है कि सब मिलके अपना हा अपना शासन में आए,
अगर ये लीडर लोग एक नहीं हुआ, ये सब जो सीनियर लीडर है अगर एक नहीं हुआ, मैं यहां में बुरुई सिकला सबको एक करके आप सबको मैं एक करूंगा। अगर लीडर एक नहीं हुआ, आप लोग को एक करके अपना हां में अपना शासन करूंगा। लास्ट, आप लोग यहां में आए हैं, यहां में मीडिया भी है, बहुत लोग एक लाइन यहां से लेगा, बोलेगा बुबाकरा ने ये बोला कॉम्युनल। मेरे भाषण में एक चीज कोई कम्युनिटी कोई धर्म के खिलाफ नहीं है। हम लोग का दुश्मन कोई बंगाली मुसलमान मोग चकमा रियांग कोई नहीं है। हम लोग का जो विरोधी है वो है हमारा खुद का एमएलए, जो आपका वोट लेकर पावर में आया है, आज आप ही को बेच दिया, आप ही के बारे सोच दिया। यहां में आप जाकर कोई बंगाली से झगड़ा मत कीजिए, जाकर खुद के एमएलए से पूछिए, जो कोरबुक से है, जो एमपी से है, उनसे जाके पूछिए, जो आपका एमडीसी है उनसे पूछिए, रंग तो दिल्ली से आता है, टका तो आए, आपने की करे, क्यों क्या हो जाता है दिल्ली में, क्यों चुप चुप और यहां में सब 56 इंच का सीना, क्यों इतना ऐसा घटिया लीडर लोग जो अपने दफा को रंग के लिए पावर के लिए सुविधा के लिए बेचता है, ऐसा लीडर को हम लोग को निकाल के हटाना है और सिकला सिकली यूथ को आगे लाना है। सुप्रीम कोर्ट में 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस का हियरिंग है और मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय देगा, ये देश का कानून हमको न्याय देगा, लेकिन उसके लिए एकता होना चाहिए, थंचा होना चाहिए। Look at the sacrifice the indigenous Tripuri people have made in accommodating persecuted Hindu minorities from Bangladesh, but there is enough, we cannot handle anymore. We want justice. We want justice. We want justice. The disparity is that we have been persecuted within our own country because we wanted to accommodate people from Bangladesh. We are 30% of the original population. The other population has come largely have come from Bangladesh. You lose language, you lose your culture, you lose administrative powers, you lose democratic powers in the assembly. Out of 60 seats, 20 is for the indigenous people, the 40 are from people who are not a part, whose origins are not in Tripura. How it feels when you're pushed to the wall? You have exempted states which have no boundary with Bangladesh, but you have allowed states which have actually got boundaries with Bangladesh to have the CAB applicable. How do you say that Sixth Schedule will protect us? Do we have our own police to handle it? The police is handled by the Home Department, which is under the state, which is again controlled by people from Bangladesh. There was restricted area permit till 1995. They did stop people from coming in. Every understanding between the indigenous people of Tripura and the government of India has been violated over the years. It also violates the very basics of the instrument of accession. Many people may not be aware, but Tripura was an independent princely kingdom when it merged with the rest of the country. And we merged on certain constitutional guarantees which were put in the instrument of accession. Today, those very sovereign guarantees given to us by the government of India has been violated. We have an open border with Bangladesh. नहीं मिला, लेकिन डुमुर से चमत्तिया नोत्तिया ब्रू को बाहर किया गया। आज मैंने ब्रू को त्रिपुरा में जगह दिया, केंद्र सरकार ने सहायता किया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन बुबाग्रा ने किया, कैसे किया? क्योंकि ब्रू के लिए सिर्फ ब्रू ने बात नहीं किया, देव वर्मा ने बात किया, त्रिपुरा ने बात किया, नोत्तिया ने बात किया, मूरा सिंह ने, रूपिनी ने, चमत्तिया ने, और जब हमने बात किया अपना ब्रू के लिए तो थंचा हुआ,
केंद्र सरकार को मालूम पड़ा कि थांचा है तो हमको तिपरासा का सुनना पड़ेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, थांचा ये आप लोग ने किया। और आज ये जो सीए है, सीए का विरोध तो करेंगे, उसका ऑपोजिट ऑपोजिशन तो करना ही पड़ेगा। और हर चीज राजनीति से नहीं होता, हर चीज वोट से नहीं होता है। आपका अधिकार आपको जानना चाहिए। और अगर कौन जानता है राम जन्मभूमि, जानता है अयोध्या का राम कौन है, अयोध्या का राजा राम, राम है ना। तो अयोध्या में मंदिर किसने बनाया, बीजेपी बनाया, कांग्रेस बनाया, सीपीएम बनाया, नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से बना। 500 साल लगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से ये मंदिर का निर्माण हुआ। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं किया। ये हा किसका है, टिपरा का। और सुप्रीम कोर्ट कौन जा रहा है, बुबागरा। कोई राजनीतिक नेता ये आपका हा को नहीं बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर हम सीए और आपका अधिकार आपको देंगे। ये तो राम मंदिर को तो 500 साल लगा, हमारा तो 70 साल से है। हम लोग वापस आएंगे इस जमीन पर। और इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी का विरोध करेंगे, कोई बंगाली का विरोध नहीं करेगा। ये लड़ाई बंगाली और तिपरासा के बीच में नहीं है, क्योंकि आज सरकार पाकिस्तान के बारे में बात करता है, कोई गाय के बारे में बात करता है, कोई गोबर के बारे में बात करता है, कोई लाल सलाम, कोई वंदे मातरम। तिपरासा के बारे कौन बात करता है, बंगाली के बारे भी कोई बात नहीं करता। आज त्रिपुरा में नौकरी नहीं है, नौकरी के बारे बात करो, नहीं। आप नौकरी के बारे बात करेंगे तो बोलेगा पाकिस्तान। आप सीए का विरोध करेंगे बोलेंगे पाकिस्तान। अगर विधि नहीं है बोलेगा गौमूत्र पियो, गौमूत्र। अगर स्कूल में शिक्षा नहीं है तो सीपीएम बोलेगा ओ महाराजा स्कूल ग्रेजुएट तैयारी करे नहीं। कोई आज का प्रॉब्लम के बारे बात नहीं करता। ये बोलता है सीपीएम खराब, सीपीएम बोलता है कांग्रेस खराब, कांग्रेस बोलता है बीजेपी खराब, आईएमपीटी बोलता है आईपीएफटी खराब, आईपीएफटी बोलता है टीएसपी खराब, लेकिन कोई नहीं बोलता कि हम आपके लिए क्या करेंगे। इसको बोलता है धोखा। और ये जो राजनीतिक, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें थंचा नहीं, लेकिन तिपरासा में अगर थंचा होगा, अगर तिपरासा में थंचा होगा तो ये सिस्टम को हम लोग बदल सकता है। ये सिस्टम को बदलना पड़ेगा, क्योंकि 70 साल में क्या बोलते हैं, अपनार पास डेमोक्रेसी आछे, गणतंत्र का। ये 70 साल में गणतंत्रता ने तिपरा का कुछ नहीं दिया, सिर्फ किसी और को कुछ मिला है। ये पॉलिटिक्स मेजोरिटी माइनॉरिटी में लोग खेलता है। हम लोग भी जानते हैं कि आने वाले दिन में अपना अधिकार शांति से सुप्रीम कोर्ट से, अगर सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिला तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। लेकिन ये अपना हाँ में अपना अधिकार, ये अपना हाँ में अपना अधिकार बुबागरा तिपरासा दफा लेके रहेगा। और अगर कोई बोले एडीसी इलेक्शन आ रहा है, ओ बुबागरा यहां में गंड तुसा में आया है एडीसी इलेक्शन के लिए, आप जाके बोल दो बुबागरा को इलेक्शन से कोई मतलब नहीं, राजनीति से कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास इतना दम है, आपके पास इतना दम है दिल्ली को बोलने के लिए कि हम सीएए का विरोध करते हैं, हमको एडीसी में डायरेक्ट फंडिंग चाहिए, हमारा भाषा कॉकबोरोक इंग्लिश लिटरेचर में होना चाहिए, अगर आपके पास इतना दम है, अगर आपके पास इतना दम है तो बुबागरा के संग जाओ और बुबागरा के संग दिल्ली में, दिल्ली में बुबागरा के संग मोदी के सामने एक आवाज से बोलो तिपरा में तिपरा का अधिकार हमको 70 साल तक नहीं मिला है, अभी मिलना पड़ेगा। और ये सब पॉलिटिकल पार्टी आएगा आपके पास,
আপনার রেগা নিয়ে নেন 340 টাকা। কই বলেগা ও রাহুল গান্ধী আর রাহুল গান্ধী আসবে মানিক বাবু তো কুছ বলেগা ভি নেই ও জিতেন্দ্র বাবু কো বলেগা বলনে কে লিয়ে ऐसा नेता लोग ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो तिपरा सा को आप ये एमएलए कैसा बनता है, एमएलए कैसा बनता है बताइए, वोट देके, वोट ना, किसका वोट, किसका वोट, आप वोट नहीं देते क्या, आप देते हैं वोट, नहीं नहीं बोलूंगा मैं, सुनो वो डर गया, वोट नहीं देता है। आप अगर वोट देता है तो सोच के दो, जो तिपरा सा दोफा के लिए बात करता है, जो दिल्ली के लिए बात नहीं करता, जो आपका कामी के लिए बात करता है, जो आपका भविष्य, आपका सेक्युलर रॉक से, आपका चला, आपका बुरुई, आपका बदौल, आपका मोथा के लिए बात करता है, और जो रंग से, चुवक से, लालच से आप राजनीति करता है, वो सस्ता राजनीति है। ऐसे राजनीति को आप अलग कीजिए। और अगर अपना तिपरा सा का परिस्थिति को बदलना है, अगर तिपरा सा का परिस्थिति को बदलना है तो आप बंगाली को अटैक मत करो, वो बंगाली का भी एमएलए बकवास का है, अपना तिपरा सा का भी एमएलए यूजलेस है, हमारा सिस्टम ही खराब है। हमारा दुश्मन हर मुसलमान पाकिस्तानी नहीं है, हर बंगाली बांग्लादेशी नहीं है, और हर हिंदू इंडिया का भी नहीं है। सोचो, ये राजनीति में कोई नौकरी के बारे बात नहीं कर रहा, कोई भगीरथ में यहां से 26 किलोमीटर दूर है अमर कृष्ण भगीरथ, भगीरथ में अभी भी तुई नहीं मिलता, लेकिन भगीरथ का बात कोई नहीं करेगा। 3 साल पहले रोहिस्ता बारी में, गंडक तुईसा में, मेनिनजाइटिस में, मलेरिया में कितना लोग मरा, कोई डॉक्टर जेल गया है, कोई मंत्री जेल गया है, इतना लोग मरा नहीं, आज तक कोई जेल नहीं गया। रंग खाता है, कॉन्ट्रैक्टर से रुपया लेता है, मलेरिया से आदमी मरता है, बिथी नहीं मिलता है, मंत्री जेल गया, वो डॉक्टर जिसने आपको बिथी नहीं दिया वो जेल गया नहीं, क्यों? क्योंकि तिपरा सा का जिंदगी का कीमत नहीं है। त्रिपुरा में बंगाली मरे भी उसका जिंदगी का कीमत नहीं। ये सिस्टम जिसमें आदमी जो भी मन में आए कुछ करे, यहां में बुरुई है, इसको हंसो हंसो हंसो, हम आपको गाटर नहीं, इसको अगर शिक्षा नहीं मिलेगा तो ये कल काम कैसा करेगा? यहां में सेक्युलर रॉक से है, आपको डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, लेकिन नहीं, ये बात नहीं होगा। वो अपना नाम की, हमारा नाम विजय कृष्ण त्रिपुरा, अच्छा उन्हीं तो चाकमा, उन्हीं खराब मानुष, अपनी भालो, ये रकम का राजनीति हो। अपना नाम की अमी ब्रू, ओ तुम्हें ब्रू, उन्हीं तो मॉक, उन्हीं भालो ने, ये क्या है? खमचा को तोड़ने का बात, एक दफा को दूसरे दफा से लड़ाओ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, बुद्ध को क्रिश्चियन से लड़ाओ, लेकिन जो कमी में आपका प्रॉब्लम है वो कोई बात नहीं करता, क्यों? रंग, रंग चाहिए सबको। ऐसे राजनीति, सस्ता राजनीति को रोहिस्ता बारी, गंडक तुईसा, भगीरथ का तिपरा सा, तिपरा जग, त्रिपुरा समाज, मग, चकमा, काइपेंग, मोलसम, बंगाली, मुसलमान, सबको मनबा तामुनि नजादो संबु।